हाँ हेलो स्टूडेंट्स, देखें फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए हम अर्थ के ऊपर हम देखते हैं जो मेजर डोमेन्स हैं उसमें आपको कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं और ओशंस देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं अपनी अर्थ के ऊपर, हम बात करें तो 29% जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स का है, मतलब लैंड मास है, और 71% वो क्या है, ओशियंस हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो कॉन्टिनेंट्स, हम जो 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं और 4 मेजर ओशियंस की बात करते हैं, तो पूरी अर्थ है अपनी लैंडमास और जो वाटर बॉडीज बनी है पूरी कम्प्लीटली। ठीक है, अब देखिए हम जो बात करते हैं अपने जो पूरी अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियंस हैं उनकी जो लोकेशन हम बात करते हैं, तो क्या ये जो लोकेशन आज जहाँ पर है क्या हमेशा ऐसे ही रही है, या पहले अलग थी और फ्यूचर में अलग होगी, ऐसे किस प्रकार होगी, तो उससे रिलेटेड उनकी जो लोकेशंस हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आप देख सकते हो द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बॉडीज एज वी सी देम इन द मैप हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट, कि पास्ट के अंदर इस प्रकार जो पोजीशन है वो इस प्रकार नहीं रही, अलग रही है। इफ दिस इज सो द क्वेश्चन राइजेज व्हाट वर देयर पोजिशंस इन द पास्ट वाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजिशंस। अब देखिए अब हम क्या बात करेंगे कि यदि ऐसी नहीं रही, अलग पोजिशन रही है, तो उसका रीजन क्या रहा है, किस प्रकार रही होगी और इस प्रकार की पोजिशन को चेंज करने के लिए कौन से फोर्स काम करते होंगे, तो इसके बारे में पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट इसका जो टॉपिक आ रहा है वह कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। आप देखिए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट अपना लैंड मास से पता ही आपको पूरी ज़मीन है वो, ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लो, बहना किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो मोमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है जो हॉरिजेंटल मोमेंट है, वर्टिकल नहीं, इसका क्या है हॉरिजेंटल मोमेंट है, तो कि लैंड मास का फ्लो हो रहा है, किस प्रकार फ्लो हो रहा है, तो देखिए बात करते हैं। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन, वी विल बी सरप्राइज बाई द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियंस, नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटी एंड कंसाइडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकन यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइंट टूगेदर। देखिए बात क्या है, आप यदि अटलांटिक ओशियन को देखते हो, अटलांटिक ओशियन को, तो आपको क्या एक सिमेट्री लाइन दिखती है, पूरा पूरा अटलांटिक का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो साइड है पूरी पूरी ना, उसको आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा मतलब इसमें कुछ मैच हो रहा है। आप जैसे देखा होगा आपने, जैसे ये हम बात करते हैं ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर ये नीचे साउथ अमेरिका। ठीक है, जैसे मैं ऐसे टफली बनाता हूँ और यहाँ हम बात करते हैं यूरोपियन पार्ट की, आप देखा होगा ऐसे, और यहाँ ये क्या है अफ्रीका है ऐसे। ठीक है, ओके, अब ये जो पोर्शन है ना, आप देखो ये जो पोर्शन है ये इस साइड वाला और ये इस साइड वाला ऐसे, तो हम इसको यदि ऐसे मैच करते हैं ना, यहाँ वाला ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन इसमें पूरा फिट बैठ जाता है, यदि हम इसको पास लेकर आए इस पार्ट को, इधर से जो अफ्रीकन पार्ट है ये और इसको है साउथ अमेरिकन पार्ट, इसको फिट करें ना ऐसे एकदम फिट हो जाएगा, और जो ये पोर्शन है ये पूरा इसको हम इस साइड लेकर आएंगे ना, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जिसको हम अरेबियन सी सॉरी कैरिबियन सी बोलते हैं, तो कैरिबियन सी के अंदर ये फिट हो जाता पूरा। तो आप एक बार अपने मैप में देखिए कि ये जो पूरा अटलांटिक जो ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के अंदर किस प्रकार से इसकी पूरा पूरा दोनों साइड का जो ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है किस प्रकार सिमिलरिटीज है, कि पास करेंगे ना इसे ऐसे लगेगा कि कभी ना कभी सारे कॉन्टिनेंट्स सारे क्या है ज्वाइन रहे हैं ऐसे से। ठीक है, तो हम इसकी हम बात करेंगे, तो इसमें दो अमेरिका हो गई, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरोपियन पार्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, ये तो आप इन सब पार्ट को मिलाकर देख सकते हो, तो वैसे लगता है कि सच में ये तो कभी न कभी एक रहे होंगे। तो अब इसके बारे में किस प्रकार के जो एफर्ट्स किए गए उसकी हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम ओर्टेलियस। देखिए ये अब्राहम ओर्टेलियस एक डच मैप मेकर था, उसने सबसे पहले इस प्रकार की पॉसिबिलिटी प्रपोज की थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस उसने बताया था कि ऐसी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि कभी न कभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है और जो यूरोपियन पार्टी है सारी मतलब कंप्लीट लैंडमार्क्स कॉमन रहे हैं ऐसे से, तो ऐसा अब्राहम ओर्टेलियस ने सबसे पहले सोचा था ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले इसी की ये पॉसिबिलिटी है जो डच मैप मेकर था, डच से जो
आज हम जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, पोलैंड, पहले पोलैंड बोलते थे अब नीदरलैंड बोलते हैं, तो वहाँ का ये कार्टोग्राफर है, ठीक है। और इसका 1596 के अंदर इसने इस प्रकार का आइडिया देखी है, कभी कभी सारे एक ही रहे ऐसे। उसके बाद हम बात करें एंटोनियो, ये प्लेनिग्रीनी है दूसरा, उसने किया क्या, मैप बनाया था ऐसे, मैप बनाकर थ्री कॉन्टिनेंट्स मिक्स किया था उसने, समझ गए, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, यूरोप को मिक्स कर दिया उसने, यूरोप को, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, तो मिक्स करके बताया गया, देखिए ये थ्री कॉन्टिनेंट्स थ्योरी बताई इसने एकदम से पूरा कर गए, ठीक है। तो ये सेकेंड जो एफर्ट्स है वो किसका है, एंटोनियो प्लेनिग्रीनी का, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो था अल्फ्रेड वेगनर। देखिए अल्फ्रेड वेगनर है, ये जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट था, जर्मनी का एक जो मौसम वैज्ञानिक, जो पूरी क्लाइमेट से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, वो था। तो उसने क्या किया था, एक बड़ा उसके लिए आर्गुमेंट दिया था, डिफरेंट टाइप का बड़ा एविडेंस दिया था, और उसने जो थ्योरी बताई थी, और उस थ्योरी का जो नाम है वो है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। अब देखिए ये तो अब्राहम ऑर्टिलियस 1596 में बात हो गई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद एंटोनियो जो पोलिनिग्रीनी, उसने मैप बना दिया, मैचिंग करके साथ में मिक्स करके इस प्रकार के। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो अल्फ्रेड वेगनर की बात करते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक कंसेप्ट दिया है, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आप समझिए क्या होता है, देखिए अब इसमें हम बात करें, कॉन्टिनेंटल का मतलब कॉन्टिनेंट होता है यहाँ पोलैंड मास है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लो होना। थ्योरी दी है इसने, कब दिया, 1912 में दिया। अब उसने क्या किया कि कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका फ्लो होता है, वो ड्रिफ्ट है, मतलब बह रहे हैं वो तैर रहे हैं ऐसे से, समझ गए ना। अब आप थोड़ा सा पीछे आप समझ गए होंगे कि आपका कैसे किस प्रकार फ्लो हो रहे हैं, ये कोई आइसबर्ग थोड़ी है। आपने जैसे आइसबर्ग जानते होंगे कि जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना ऐसे सी के अंदर, ओशियन बात करते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और आपको पता है कि ये तैरते क्यों हैं, क्योंकि आपने 10th तक साइंस पढ़ कराए हो फिजिक्स में, कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और आइस का मतलब जो क्या होते हैं हार्ड पार्ट के अंदर जो सॉलिड वाटर का सॉलिड पोर्शन होता है, स्टेट होती है, तो क्या हो जाता है उसको हल्का हो जाता है, तो उसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए बर्फ़ है वो क्या होती है, आइस पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। वैसे ही हमने देखा इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर है, अर्थ का इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर, उसमें देखा था अपर मोस्ट पार्ट है जो आउटर मोस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद सेंटर पार्ट में जो कोर है, और बीच वाला पार्ट मेंटल है। हमने देखा था इसका जो अपर क्रस्ट का पोर्शन है उसका जो डेंसिटी है 2.7 से लेकर के 3 है, और यदि हम लैंड मास है कॉन्टिनेंट से 2.7 का, यदि सी बॉटम का पार्ट है तो 3 है, तो हम मान लें 2.7 है, ओके। और अब मेंटल का पोर्शन है उसका जो डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है, 3.4 अप्रोक्सीमेटली आपको ये मिलेगा, इसका ज़्यादा मिलेगा, बात यह है। तो अब जो मेंटल वाला पोर्शन है ना वो लिक्विड स्टेज है और उसका डेंसिटी ज़्यादा है, और क्रस्ट का पोर्शन है उसका डेंसिटी क्या कम है, तो इस वजह से क्या होगा, इसके ऊपर वो ड्रिफ्ट कर सकता है आराम से, समझ गए। तो इसका मेन रीज़न यही है कि ये फ्लोट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपर जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो एकदम से लाइट मटेरियल का बना, उसका डेंसिटी कम है और मेंटल का ज़्यादा है, तो इस बेस पे उसने क्या दिया है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, ठीक है। तो हम देखो इसमें आगे बात करते हैं, अब वेगनर क्या बताता है समझिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें पूरा। वेगनर बताता है कि पूरा पूरा जो लैंड मास है, पूरा लैंड मास एक सिंगल कॉन्टिनेंट है, और पूरा ओशियन है, पावर ऑफ पानी है वो भी एक बड़ा ओशियन है, दो चीज़ हैं, ठीक है। एक पूरा लैंड मास हो गया और उसके चारों ओर क्या है, पानी है पूरा, जो वाटर बॉडी है, ठीक है। अब उसने किया जो लैंड मास है, पूरा सा लैंड मास है, जो उसका नाम सुपर कॉन्टिनेंट है, और उसका नाम दिया था पेंजिया, क्या नाम दिया है, पेंजिया। उसने कहा ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम उसने क्या रखा है, पेंजिया रखा है भैया, पेंजिया, ओके पेंजिया। और जो सी था ओशियन की हम बात करते हैं, जो काफ़ी बड़ा ओशियन, मेगा ओशियन, उसका नाम था पेंथालासा। दो चीज़ें, एक लैंड जमीन थी, लैंड मास था, एक वाटर था, तो लैंड को हमने बोला पेंजिया, किसने, वेगनर ने, और सी का ओशियन वाटर बॉडी को बोला पेंथालासा। अब जो पेंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ,
मतलब पूरी लैंड लैंड जमीन है पूरी, और पेंथालासा मतलब होता है ऑल वाटर पूरा पानी है, ठीक है। तो उसने ये बताया भैया एक पूरा लैंड पेंजिया था और दूसरा पेंथालासा था। देखिए अब उसने क्या किया, उसने बताया कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, इतना साल पहले क्या हुआ था, जो पेंजिया कॉन्टिनेंट है वो स्प्लिट हुआ, ठीक है, मतलब टूट गया, ये टूटने के बाद दो पार्ट बन गए इसके, ठीक है। जैसे ये पूरा लैंड मास था ऐसे पूरा पेंजिया कॉन्टिनेंट था, ठीक है, और इसके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट हो गया। तो ये जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट है, इसको इसने बोला लॉरेशिया, इसका नाम क्या रखा, लॉरेशिया रखा, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट है उसका नाम रखा गोंडवाना लैंड। तो उसने बताया भी ये देखो ये ड्रिफ्ट कर रहे थे ऐसे, पूरा लैंड मास था और इसके टू पार्ट्स हो गए, एक नॉर्थ पार्ट एक साउथ। नॉर्थ को उसने गया लॉरेशिया, सदर्न मोस्ट पार्ट उसको बोला गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, उसने कंटिन्यू बताया वेगनर ने कि उसके बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है वो फिर आगे कई सारे टुकड़ों में टूटते गए और डिफरेंट है, छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे सारे डिफरेंट टाइप बन गए, जो हम डिफरेंट टाइप के देखते हैं, ठीक है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कंट्रीज हैं जो लैंडमार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए अब जो ये साइंस की हम बात करें ना से, तो साइंस में जैसे कोई भी थ्योरी है ना किसी प्रकार की देते हैं से, तो उसके पीछे साइंटिफिक क्ल्यू होते हैं, ऐसे एविडेंस देते तब उसको माना जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता। तो जैसे हमने बोल दिया कि भैया अगर अर्थ है वो सन के चारों रोटेट कर रही है, रिवोल्यूशन हो रहा है, सॉरी रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अब उसको हमें क्या देने पड़ते, एविडेंस देने पड़े तब पब्लिक मानती, ऐसे नहीं मानती ऐसे अपने आइडियोलॉजी के, नहीं मेरा इस प्रकार थिंकिंग है मैं ऐसा मानता हूँ, तो पब्लिक ऐसे नहीं मानती। तो ऐसा ही हुआ, वेगनर की बात को मानने के लिए लोग किस बेस पे माने, तो उसने कुछ एविडेंस दिए थे। अब देखिए हम बात करते हैं, तो उसने एविडेंस दिए थे कि भाई ये एविडेंस है जिस बेस पे हम मान सकते हैं कि कॉन्टिनेंट है ड्रिफ्ट किया। देखिए तो एविडेंस इज इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या किया देखिए आप, सबसे पहला था द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिंगसा फिट हम बात करते हैं। देखिए जब कोई चीज़ है वो एकदम से फिट हो जाती है तो जिंगसा फिट बोलते हैं इसे। तो मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट उसने क्या बताया, देखिए हम उसने बताया था कि आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका है, उसकी यदि फेसिंग देखते हो ना से, जैसे ये साउथ अमेरिका देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार से ये साउथ अमेरिका आता है ऐसे, ठीक है, वो इस साइड में ऐसे मिलता पूरा, एक सेकंड फिर से देखते हैं, देख यस ओके देखो ये साउथ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पर आती है ऐसे ऐसे जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ये आपका है अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो पोर्शन थोड़ा इस ऐसे निकलता आगे ना, ये साउथ अमेरिका हो गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये अफ्रीका ऐसे, ये अफ्रीका है। तो अब यहाँ ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ना और ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ऐसे इसको पास करें ना ऐसे मैप में देखिएगा तो पूरा पूरा फिट बैठता है, ये पूरा पोर्शन ये पूरा पोर्शन। तो उसने यही बताया था कि ये जो दोनों आप यदि साउथ अफ्रीका और अफ्रीका और साउथ अमेरिका को यदि देखते हो तो दोनों के आमने सामने करने से फिट बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पार्ट कभी ना कभी क्या रहे हैं, दोनों पास पास रहे हैं। और इसी की बात की हम बात करें तो इसकी जो कंसेप्ट ये तो 1912 की है, 1964 के अंदर और बुलार्ड है, एक बुलार्ड था, उसने किया क्या कंप्यूटर के ऊपर उसने मैच करवाया ऐसे दोनों पार्ट को, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को, तो फिट पड़ा कि एकदम फिट हो गया। और ये फिट ऊपरी नहीं, डेप्थ के अंदर हम बात करते हैं 1000 फेदम नीचे अंदर भी, जैसे हम जो सी का बॉटम पार्ट होता है तो नीचे की जो डेप्थ होती है इसको हम मेजरमेंट फेदम में करते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसने देखा था कि बुलार्ड ने कि अपर पार्ट तो होता ही लैंड मास, नीचे का जो पार्ट है ओशियन के तरह वो भी क्या फिट हो रहा है। तो मतलब उसके बात सही है, तो मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और अफ्रीकन जो पार्ट है वो मैच हो रहे हैं, तो ये जिंगसा फिट है, पहला एविडेंस ये दिया इसने। सेकेंड एविडेंस की बात करें वो है द रॉक्स सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ओशियन के क्रॉस में जो एज जो डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं
उनकी एज क्या है, बराबर है। हम चाहे साउथ अमेरिका की बात करते हैं, इधर मान लीजिए ये जो अपना साउथ अमेरिका है और इस साइड में क्या है अफ्रीका की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या इन दोनों की जो चट्टाने हैं ना रॉक्स हैं उनकी एज एक है। इसका मतलब क्या है, इन सब की फॉर्मेशन एक साथ हुई, इसका मतलब ये तो होता है। तो हम देखिए बात करें, इसने आजकल देखिए हमारे पास में क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हैं। तो इसमें एक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग से क्या होता है, इससे हम किसी भी पर्टिकुलर जो रॉक है उसकी एज निकाल देते हैं कितनी साल पुरानी है, ठीक है। तो ये आप साइंस पढ़ कर आए हो कि रेडियोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या जो भी कोई रॉक कितनी भी ओल्ड कितनी भी हो उसकी उससे पता चल जाता है कितनी पुरानी है। तो इस प्रकार की जो रॉक्स हैं, तो ये बताया कि दोनों साइड में हम बात करते हैं लगभग 2000 मिलियन ईयर्स ब्राज़ीलियन कोस्ट और वेस्टर्न जो अफ्रीका का जो पार्ट है, क्योंकि ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका का कोस्ट है और वेस्टर्न अफ्रीका वाला जो पार्ट है ये जो अफ्रीकन पार्ट में पड़ता है, तो इनकी जो रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो क्या है 2000 ईयर है, समझ गए। अब क्या हुआ, अब ये बात है कि इससे पहले इस पार्ट में किसी प्रकार का हम बात करते हैं जो मेरिन डिपोजिशन है, मेरिन का मतलब समझ रहे हो हम, जो सी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के जो भी बायोलॉजी होती है वहाँ पर, डिफरेंट टाइप की जो भी फ्लोरा फौना होते हैं वो सारे सारे मेरिन के होते हैं, तो उनका जो डिपोजिशन है ना उससे पहले नहीं मिला है, मतलब उससे पहले नहीं। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 2000 मिलियन से पहले ये जो पार्ट्स अलग अलग हुए नहीं थे, मतलब उस टाइम ये सारे सारे क्या थे, मैच थे। तो अब बात यह है कि जो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है ना ये सारे कभी न कभी क्या थे, मैच थे, एक थे, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन है वो बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा एज रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, दोनों की सिमिलरिटी होगी एज के अंदर होगी, ठीक है। थर्ड उसने जो ऑप्शन दिया हमें, हम बात करते हैं उस टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकेंड आप यस देखिए थर्ड हम बात करते हैं टीलाइट। थर्ड पोस्ट अपना पॉइंट क्या है टीलाइट का, हम देखें टीलाइट की बात करते हैं। तो देखिए टीलाइट होती है सेडिमेंटरी रॉक होती है, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक होती है, और ये जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं ना उसी पार्ट में इनका क्या होता है डिपोजिशन होता है, ग्लेशियर वाले पार्ट के अंदर ऐसे, समझे। तो अब इस प्रकार की जो रॉक हैं, मतलब जहाँ ग्लेशियर रहा वहीं पर इससे टीलाइट मिलती है और कहीं नहीं होती ऐसे। तो अब इस प्रकार की जो टीलाइट कहाँ पर मिले हम बात करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स में जैसे इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर फॉकलैंड आइलैंड जो अफ्रीका जस्ट पास में है, सॉरी साउथ अमेरिका के जस्ट पास में, जैसे हम बात करें ना यहाँ पर, जैसे ये साउथ अमेरिका ऐसे है, आपने देखा ये साउथ अमेरिका ऐसे है, नीचे साउथ अमेरिका यहाँ पे, तो नीचे की जो टिप है इसके पास में क्या फॉकलैंड ऐसे है, तो साउथ अमेरिका जस्ट पास फॉकलैंड आइलैंड है, मेडागास्कर आपको पता है अफ्रीका के जस्ट पास में है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है ऐसे। तो ये जो सिक्स पार्ट हो गया ना यहाँ पर क्या मिला, टीलाइट मिला है, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, और ये टीलाइट कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर ग्लेशियर होती है। आज आप देखोगे ना से कि मेडागास्कर का पार्ट है और साउथ जो अफ्रीका का सदर्न पार्ट है, हम फॉकलैंड की बात करें ऐसे, ऑस्ट्रेलिया बात करें ऐसे, तो ऐसे कई सारे पार्ट हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको या मेडागास्कर के अंदर या अफ्रीकन पार्ट, वहाँ पर ग्लेशियर नहीं मिलते हैं इस टाइम, नहीं होते ऐसे, ठीक है। तो रीजन क्या है, ये कभी ना कभी क्या है सारे एक रहे और इनकी लोकेशन भी अलग रही है, मतलब साउथ में रहे, अंटार्कटिका पास रहे होंगे, इसी वजह से क्या है यहाँ पर इस प्रकार के टीलाइट मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ की जो पेलियो क्लाइमेटिक है, पुराने जो किस प्रकार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रही है वो भी हमें पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सारे पार्ट्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो अभी जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट इससे छोड़कर सदर्न में रही है जैसे ना ये, तो ये टीलाइट हो गया। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट उन्होंने जो भी दिया है उसकी हम बात करते हैं, वो है आपका देखें प्लेसर डिपोजिट देखिए हम बात करते हैं, यस प्लेसर डिपोजिट देखिए, यहाँ गोल्ड के कुछ डिपोजिशन मिले हैं, कहाँ पर मिले देखिए, एक पार्ट अफ्रीका के अंदर मिले हैं, ठीक है, अफ्रीका के अंदर जो घाना कोस्ट है, अफ्रीका का जो घाना कोस्ट है देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका ये जो पार्ट है घाना कोस्ट है, ठीक है, इधर। और इस साइड में हम बात करें तो यहाँ पर है ये
ये ब्राजीलियन प्लेट्यू है, ठीक है, ये ब्राजीलियन है और ये गाना है। अब वहाँ क्या है, अब वहाँ ये है कि इस पार्ट के अंदर गोल्ड मिलता है ब्राज़ील में, ठीक है, और उसकी वेंस हैं वो अफ्रीका के इस गाना की तरफ ऐसे से, ठीक है, और बीच में क्या है अटलांटिक ओशियन। आज हम जाकर देखें ना तो अफ्रीका में इस गाना वाले पार्ट के अलावा और कहीं पर इस पार्ट के अंदर, अदरवाइज तो साउथ अफ्रीका में आपको गोल्ड मिलता है यहाँ कंट्री में, लेकिन यहाँ पर कोई गोल्ड के कोई डिपोजिशन नहीं है उसकी, मतलब रॉक्स नहीं है ऐसे, केवल इसी पार्ट में मिलती हैं, क्योंकि जस्ट इसके पास में मेन बात यह कि इसकी जो रॉक्स थे ना ये सारी सारी इसके साथ मैच कर रही थी, कभी एक साथ रहा ऐसे, ठीक है ना। तो इस बेस पे उसने क्या पाया कि ये जो चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलते हैं, तो गोल्ड है वो ब्राज़ील में भी मिलता है, दूसरा और गाना भी मिलता है, और दोनों पार्ट क्या है ओशियन के एकदम फेस टू फेस आमने सामने कम्प्लीटली ऐसे, तो वो पार्ट क्या पास में रहे हैं, तो वो जब उनका स्प्लिट वन टूटा ऐसे पार्ट, तो एक पार्ट अफ्रीका की तरफ चला गया, एक अमेरिका की तरफ रह गया ऐसे, तो बीच में से गोल्ड का डिपोजिशन अलग अलग हो गया, तो उससे अब क्या पता चलता है कि ये पार्ट मतलब उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई है, समझ गए ना। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं। तो देखिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल्स की बात करते हैं, देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की जो हम बात करते हैं, जो जैसे ये लैंड मास है, ठीक है, और ये लैंड मास ऐसे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो वेजिटेशन या लैंड मास होंगे, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप वेजिटेशन और सॉरी जो एनिमल्स होंगे हम बात करते हैं, वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे कब हो सकते हैं, जब दोनों क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं तब एक जैसे मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं होते, क्योंकि सबकी अपने अलग अलग फ्लोरा फौना मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होती है कि अब इनके बीच में काफ़ी सारा पार्ट पानी है और वाटर है, उसके बाद में भी यहाँ पर आपको क्या होते हैं अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं या जो फ्लोरा फौना वो सिमिलर मिलती है पर दोनों जगह। तो हम देखते हैं इसके टू एग्जांपल्स हैं, नंबर वन देखिए हम बात करते हैं लेमूर। देखिए इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों में क्या मिलता है लेमूरिया, ठीक है, लेमूर एक एनिमल खास है वो मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये तीनों पार्ट कभी ना कभी कनेक्टेड थे, तभी मिलते, अदरवाइज ऐसे नहीं मिल सकते, और कुछ जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने इनको लेमूरिया नाम दिया कि ये तीनों लैंडमार्क थे वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से, इसलिए इसको लेमूरिया, क्योंकि तीनों जगह मिलते हैं। अब देखिए आप अफ्रीका का अलग पार्ट है, जैसे ये हम बात करें यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ मेडागास्कर है और इधर क्या है अपना इंडिया, जैसे तो तीनों जगह इस प्रकार है मिलना, इसका मतलब क्या कभी ना कभी सारे एक साथ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो मूवमेंट करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। दूसरा है हम बात करते हैं मेसोसोर एक छोटा सा रेप्टाइल होता है, ठीक है, जो सेलो ब्रिकिश वाटर में रहता है, मतलब जो छिछला पानी होता है ना, कम डेप्थ वाला पानी उसमें रहता है। अब उसके जो हम बॉडी की जो पार्ट्स की बात करते हैं, जो स्केलेटन्स होते हैं, वो हमें कहाँ मिले हैं, वो मिले हमें साउथ अफ्रीका के अंदर मिले हैं और इधर ब्राज़ील में मिले हैं। अब सोचिए साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में मिले हैं, अब तो अब आप दोनों की यदि हम उनकी लोकेशन देखते हैं तो दोनों के बीच के अंदर जो डेप्थ सॉरी जो डिस्टेंस है वो कितना है 4800 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, तो इसका मतलब कि इतनी दूर वो मोमेंट तो कर नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक साथ हैं, एक जगह रहे पे पार्ट, मतलब अफ्रीका का पार्ट और जो साउथ अमेरिका का पार्ट पास पास रहे हैं ऐसे, इस वजह से क्या है उनका जो डिपोजिशन इस पर मिला है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर जो वेगनर यही बता रहा है कि जितने भी लैंड मास हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं, मतलब उन्होंने मोमेंट किए हैं, किसी न किसी पार्ट में वो मूव किए हैं, समझे ना। तो इसकी मेन बात यही हम बात करते हैं, बस ये एविडेंस दे रहा है कि मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो लैंड मास हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।